हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक बाजार में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम हर हफ्ते ऐसा वीडियो लाते हैं जिसमें हम आपको अगले हफ्ते के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स बताते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो ये वीडियो भी उसी शेयर्स के बारे में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, पहला स्टॉक अगर देखें तो वो है यहाँ पे विप्रो। हम यहाँ पे डेली कैंडल की ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने विप्रो में लेवल पहले भी आपको दिया हुआ था 376 रुपये का, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस लेवल को यहाँ पे शेयर देता हुआ ऊपर की ओर अभी निकला हुआ है। तो अभी एक और पैटर्न यहाँ पे विप्रो में बन रहा है, जो कि है डबल बॉटम पैटर्न। तो यहाँ पे उस डबल बॉटम पैटर्न के नेक लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। ये जो हम दिखा रहे हैं वो नेक लाइन बन चुकी है एंड उसका ब्रेकआउट भी हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम इसमें कंफर्मेशन के साथ जा सकते हैं बाई साइड के लिए, जिसमें हमें यहाँ पे 410 एंड 420 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो विप्रो के आप ज़रूर रडार पे रखिएगा एंड अगर नीचे की ओर जब भी आता है तो ये लेवल बिल्कुल बरकरार रहेगा 376 रुपये का, तो आप इसे ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। अगला स्टॉक यहाँ पे देखें तो वो है यहाँ बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया हुआ है 688 रुपये का रेजिस्टेंस, जो कि पिछले पूरे वीक में शेयर वहीं से प्राइस रिजेक्शन दिखा चुका है एंड उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम ऊपर की ओर जा सकते हैं बाई साइड, या फिर अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता तो नीचे की ओर भी हमें यहाँ पे ऐसी कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो बर्जर पेन के इस लेवल को आप दोनों के लिए ज़रूर रडार पर रखिएगा, लेवल नोट कर लीजिए 688 का। अगला स्टॉक है यहाँ पे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप देखोगे तो यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद शेयर नीचे आया है थोड़े दिनों के लिए। अभी उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके शेयर ऊपर निकला है एंड अपने लेवल के पास पहुँच चुका है, जो कि लेवल आपको बता दें 990 रुपये का है। अब जब ये ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आने वाले टाइम में ये शेयर में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 990 रुपये के आप लेवल को ज़रूर नोट कर लीजिएगा एक्सिस बैंक के लिए। अगला स्टॉक है यहाँ पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। तो उसमें भी कुछ एक्सिस बैंक की तरह ही आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे यहाँ हाई है 1155 रुपये का, जो कि उसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद ही शेयर आगे की ओर निकल सकता है। तो चोलामंडलम को भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा 1155 के लिए। अगला स्टॉक है ITC। तो उसमें भी कुछ वही कहानी नज़र आ रही है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, वहाँ पे शेयर पहले पहुँचा, उसके बाद नीचे आया है एंड एक बार फिर से वही लेवल जो कि है 452 रुपये के आसपास वहाँ पहुँचा है। तो अभी इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें अपसाइड काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, तो ITC को भी आप रडार पे रखिए। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। तो जिसमें यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हमने आपको दिया था तब हो चुका है, उसके बाद शेयर यहाँ पे पुल बैक दिखाया एंड उसके बाद एक और रेजिस्टेंस जो कि ऊपर बन चुका है 1345 का, उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका है। तो अब कंफर्मेशन के साथ हम इसमें आगे की ओर देख सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक में आप 1345 का ये रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा एंड उससे पहले एक लेवल था 1255 का, वो आप जरूर नज़र रडार पे रखिएगा। अगला स्टॉक है इंफोसिस। तो उसमें यहाँ पे हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर निकला है, इस लेवल को भी ब्रेक किया है एंड 1355 रुपये का। तो इस 1355 रुपये के लेवल को आप ज़रूर रडार पे रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आगे हमें काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं एंड ब्रेकआउट नहीं मिलता तो एक बार फिर से शेयर में करेक्शन आ सकता है। तो इन्फोसिस के इस 1355 रुपये को आप याद रखिएगा। अगला स्टॉक है JSW स्टील, जिसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस है 780 रुपये का एंड यहाँ पे एक बार शेयर ने रिजेक्शन दिखाया है एंड एक बार फिर वहीं पे नीचे जाके शेयर ऊपर की ओर पहुँचा है। यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट मिला था लेकिन वहाँ कंफर्मेशन हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नहीं मिली है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन ज़रूर वेट करनी होगी, उसके बाद इसमें हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं। लेवल अगर टूटता है तो आप सेल साइड भी देख सकते हो। अगला शेयर है LNT।
एलएनटी में यहाँ पे लेवल बन रहा है आपको बता दें 2425 रुपये का, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया है शेयर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वॉल्यूम भी पिछले टाइम से ज़्यादा है, तो अभी कंफर्मेशन के साथ हम इसमें यहाँ पे बाय साइड के लिए देख सकते हैं। एंड शेयर नीचे की ओर आता है तो फिर हम यहाँ पे इन सेल साइड भी देखेंगे इंट्राडे में। तो 2425 के एलएनटी को आप जरूर यहाँ पे रेडार पे रखिएगा, अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, जब भी आएगा काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगला स्टॉक है हमारा मारुति, जिसमें यहाँ पे एक लेवल काफी अच्छा निकल गया रहा है 9800 का। तो 9800 के लेवल को यहाँ पे मारुति ने एक बार छुआ था, उसके बाद से नीचे निकल गया था। अभी वहाँ तो वही लेवल पे यहाँ पे इन्फोसिस पहुँचता हुआ नजर आ रहा है 9800 के ऊपर। अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम यहाँ पे बाई साइड के लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलने वाला है। एंड अगर नीचे की ओर निकलता है तो एक बार फिर से यहाँ पे लेवल आपको बता दें 9320 रुपये के आसपास सपोर्ट शेयर ले सकता है। तो इस दोनों को आप यहाँ पे अपने चार्ट पे जरूर रख सकते हैं। अगला स्टॉक अगर देखें तो वो है टाटा मोटर्स, जिसमें यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद हम यहाँ पे हम आपको मंथली चार्ट पे दिखा दें तो पहले 2015 में ये लेवल आया था, उसके बाद 2016 में ये लेवल तक पहुंचा था शेयर। एंड उसके बाद लगभग 7 सालों के बाद यहाँ पे उस लेवल के आसपास टाटा मोटर्स पहुंचता हुआ नज़र आया है। लेवल आपको बता दें 600 से 605 के बीच बन रहा है, एंड इतने सालों के बाद बन रहा है तो 5 रुपये को आप यहाँ पे इधर उधर कर सकते हो। तो इस लेवल को यहाँ बहुत ध्यान से ट्रेड करना होगा, यहाँ पे काफ़ी मंथ के बाद ब्रेकआउट होने जा रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिल सकती है, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो टाटा मोटर्स के ये लेवल को आप ज़रूर यहाँ पे रडार पे रखिएगा, तो लेवल है 600 से 605 रुपये का। यहाँ पे हमने कुछ आपको शेयर्स के लेवल बताया है जो कि ब्रेकआउट या तो हो चुके थे या फिर होने वाले हैं अगले हफ्ते में, या फिर शायद उससे उसके बाद। तो ये लेवल जो हमने बताए वो कभी भी आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे पैसे बना के दे सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर यहाँ पे चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, एंड अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल मैनेजर से बात करके आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे कुछ लेवल बताने की कोशिश की है ताकि शेयर्स आपकी नज़र में आ सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ऐसा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए बना रहे, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस लेवल को शेयर करिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो